कैसे आप लोग, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूं, बजाबते दावी के साथ, जिसको बोलता है ना दबदबा, दबदबा के साथ बोल रहा है अमित शाह। अमित शाह जी कह रहे हैं कि बीजेपी को 310 सीट आ चुका है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बीजेपी ने 310 सीट हासिल कर लिया है। मैं इसका वीडियो आप लोग को लगा रहा हूं और आप लोग देख लीजिए। पांच चरण का परिणाम जानना है क्या? तो पांच चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है। एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन पेपर लगता है मोदी जी के पास चला गया क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे को इसमें भी डॉट लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग के कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। इन्होंने जो कहा है कि 310 सीट मोदी ने हासिल कर लिया, बीजेपी ने कह रहा है, अमित शाह कह रहा है कि 310 सीट हासिल कर लिया, तो चुनाव आने से पहले, चुनाव गिनती भी नहीं हुआ, कुछ होने के वजह से भी कैसे इसको पता चल गया कि 310 सीट हम लोग ने हासिल कर लिया? बीजेपी वाला को ये कहां से अंधभक्त को पता चलता है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पूरा माइंड में अंधभक्त ने मोदी जी सेट कर दिया है। और अमित शाह इतना माइंड फ्रेश कर रहा है, इंसान का माइंड वॉश कर रहा है कि मत पूछिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कहां से आते हैं भाई ऐसे ऐसे आदमी जो बोल रहे हैं, अपने आप को दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने 310 सीट हासिल कर लिया। कहां से आते हैं भाई ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे होनहार आदमी कहां से आते हैं भाई? देखो इसका थोबड़ा तो देखो, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। इसकी दान हमने बताई कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। अभी तक इलेक्शन चुनाव गिनती नहीं हुआ, इन्हें इसको पता चल गया कि 310 सीट बीजेपी ने हासिल कर लिया। जान लो मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी बोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बीजेपी का मैंने अंजाम देख लिया मेरे भाई, बीजेपी का मैंने अंजाम देख लिया मेरे भाई। पैसा अगर आपके पास है तब बीजेपी आपका खास है, पैसा नहीं है तो आपका बीजेपी कभी भी खास नहीं होगा। बीजेपी पैसा वाला के लिए ही बीजेपी है, और गरीब के लिए बीजेपी नहीं है, किसी मजदूर के लिए बीजेपी नहीं है। बीजेपी झूठा वादा करता है, और बीजेपी क्या क्या नहीं झूठा वादा करके आज तक वादा पूरा नहीं किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। तो आप लोग ध्यान दे, और ध्यान दे के इस चीज को निर्णय ले, और अब तो निर्णय लेने का समय नजदीक आ गया है। 4 जून का इंतजार है, जहां जहां इलेक्शन अभी हुआ है और जहां जहां नहीं हुआ है उस जगह तक का मेरा अगर वीडियो जाता है तो आप लोग देखें, सोच समझ के आप लोग मतदान करें, ऐसा सरकार ना सिलेक्ट करें और ऐसा सरकार ना बनाएं जो आपके आने वाला पीढ़ी, आपके आने वाला बच्चा और आपके आने वाला जो भी आगे का जनरेशन है उसमें खराबी हो। उसके लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो, मेडिकल का व्यवस्था नहीं हो, स्कूल का व्यवस्था सही नहीं हो। गौर से सुनिएगा, खेल जितना कठिन होगा, खेल जितना कठिन होगा जीत उतना दमदार होगा, जीत उतना दमदार होगा। मनीष कश्यप, आप कान खोल के इस चीज को सुन लीजिए गौर से। वक्त का इंतजार करो मनीष कश्यप, वक्त का इंतजार करो तुम मनीष कश्यप। तुमसे बेटर और तुम्हारे पार्टी से बेटर नजारा दिखाएगा आरजेडी, आरजेडी, आरजेडी। बीजेपी पे कभी भी भरोसा मत करना, झूठ बोलना, घटिया वादा करना, ये सब पुराना आदत है, ये सब पुरानी कहानी। रोजगार दिलवा दो मोदी जी, हम आपका विरोध खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा अपना। अमित शाह बोल रहे हैं कि 300-310 सीट बीजेपी ने हासिल कर लिया। किधर से हासिल किया? ठग ऑफ बिहार मनीष कश्यप,
अगर मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसका रिप्लाई दीजिए। आप जो कहते हैं कि ये मेरे को तेजस्वी का गुंडा और राजद का गुंडा मेरे को सोशल मीडिया पे गरिया रहा, और इसका सवाल कौन देगा आपको? इलेक्शन गिनती होने से पहले आपको कैसे पता? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बिहार के पूरे प्यारे जनता, जनार्दन, पूरे इंडिया की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, मैं एक सवाल करता हूँ। मेरे को ये सवाल बहुत दिन से मेरे माइंड में घूम रहा है। 2014 में जो पीएम बनाया गया था मेरे मोदी जी को, मेरे चाचा जी को, तो उनको किस स्टेज पे बनाया गया था? युवा ने उनको साथ दिया था, हर एक इंसान ने उसका साथ दिया था। नेक्स्ट टाइम था, इसलिए साथ दिया था कि 2 करोड़ का वादा किया था हर एक युवा को, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, हर साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अब भैया हमें रोजगार दिलवा दो मोदी जी, हम आपका विरोध खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा अपना। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है कि मस्जिद और मंदिर का जमीन नापने के लिए उसको चुना गया था पीएम को, या फिर 2 करोड़ का झूठा वादा करने के लिए चुना गया था। आप लोग ये चीज बताइए कि ये मंदिर और मस्जिद का जमीन नापने के लिए पीएम बनाया गया था इसको, आप लोग कमेंट करेंगे।